ये जो 6 दिसंबर को मर्डर हुआ था दया सिंह थेड़ के पास, उसमें सिरसा पुलिस की टीम लगी हुई थी और हमारे डीएसपी एलनाबाद श्री जगत सिंह जी, सी आई इंचार्ज प्रदीप, हमारे साइबर इंचार्ज रंजीत और एसएचओ एलनाबाद जो जितेंद्र हैं और साथ ही पुराने जो एसएचओ थे उनके प्रयास से ये केस जो है वो ट्रेस हो गया है। और इसमें भैया के रहने वाले रणवीर सिंह और दमदमा के गुरविंदर सिंह, इन दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से उनका वहाँ बंदूक गोली चला के मर्डर किया था। और आपसी इनकी कुछ अंतर कलह थी, जो रणबीर है वो इनका दूर का रिश्तेदार है, तो उस कारण जो है ये मर्डर हुआ। तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो लोगों से लोकल नेटवर्क था वो और साइबर टीम के विशेष सहयोग से जो है ये केस ट्रेस हुआ है। तो इसमें अभी 2 को अरेस्ट किया है जिनको कि कोर्ट में पेश करेंगे और हम लोग रिमांड लेंगे। उसके बाद जो भी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो, साथ ही जो वेपन इस्तेमाल हुआ था वो, उसके लिए हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी रिकवरी करेंगे। और बड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम था टीम का, ये लोग दिन रात लगे रहे और जहाँ तक भी अगर 1% भी कोई किसी पे शक था या कोई भी क्लू आता था तो उस पर इन्होंने जी तोड़ करके मेहनत की। और लगभग ब्लाइंड मर्डर था ये, तो काफ़ी टफ था हम लोगों के लिए, पर ये जो हमारी टीम थी इनकी काफ़ी कड़ी मेहनत रही और हर गांव में जाके जिससे जो पूछताछ कर सकते थे वो, 1% भी कहीं से अगर कोई क्लू मिल गया तो उस पर इन्होंने मेहनत की, उसको इन्फॉर्मेशन को और डेवलप किया और जिस कारण जो है ये केस ट्रेस हो गया आज। इनको अपने अपने गांव से किया है। सर कुछ पूछताछ में पता चला भी इनकी मंशा क्या थी, किस लिए मर्डर किया गया? देखिए इनकी आपसी कुछ अंतर कलह थी पारिवारिक, तो वही मन में जो भी दुर्व वो भावना थी उसके प्रति कि इसके बदला लेना है मेरे को, जो कि रणबीर ने गुरविंदर को बता रखा है, उसको फोटो दे रखी थी, उसको रैकी पे लगा रखा था कि बस इसको ख़त्म करना है। तो बाकी अभी मैं और डिटेल पूछताछ करेंगे और अगर अन्य भी जो परिवार वाले हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं, अभी नहीं हुई है बरामदगी। जो वहाँ खोल मिले हैं हमको वो 32 mm जो पिस्टल होती है उसके हैं, तो उस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। बैकग्राउंड क्या है सर इनका? इसमें जो गुरविंदर है वो तो खेती किसानी करता है, 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, जबकि जो दूसरा है वो थोड़ी मोड़ी मेहनत मजदूरी करता है।